इसी रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वाला देख रहे हैं 6827 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, हल्की सी करेक्शन है, बहुत ही मामूली सी। रूपा जी कल के कारोबारी सत्र में हमने क्लोजिंग होते होते सोयाबीन की कीमतों में 4% का ऊपरी सर्किट लगता देखा था और 6900 के ऊपर का हाई भी लगता नजर आया था। रूपा जी जिस हिसाब से 6900 का हाई लगता नजर आया है और आपका भी टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया है, तो क्या मान लिया जाए कि अब आने वाले दिनों में सोयाबीन 7000 या फिर उसका भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा का लेवल दिखा दे, जो कि किसान उम्मीद कर रहे हैं कि 8000 या 9000 देखने को मिलेगा? रही है बिल्कुल, उस तेजी के दरमियान एक्सपेक्ट किया जाता है, किया जा सकता है कि आगे और प्राइसेस के अंदर बूस्टर पा सकता है और तेजी बन सकती है, क्योंकि अभी सप्लाई काफी डिस्टर्ब है जिसकी वजह से आगे अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर 7000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आप 7500 से 7800 सोयाबीन के अंदर आते हुए देख सकते हैं। जी रूपा जी, यूएस से खबर निकल के सामने आई है कि यूएस के अंदर सोयाबीन का जो यूज है वो ज्यादा किया जा रहा है। यूएस के अंदर वीट और कॉर्न के जो प्राइसेस हैं उनमें ज्यादा ही बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से उनकी जगह सोयाबीन को यूज किया जा रहा है उसका अच्छे विकल्प के तौर पर। अगर यूएस में सोयाबीन का जो खपत है वो ऐसी जारी रहती है, तेजी देखने को मिलती है, तो आपको क्या लगता है इसका असर भारतीय सोयाबीन की कीमतों पर कितना पड़ता नजर आ पाएगा? देखिए अभी जो है पहले ही विदेशी बाजारों में सप्लाई तंग है और अगर डिमांड और ज्यादा पिकअप होती है तो डेफिनेटली प्राइसेस के ऊपर इसका असर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और विदेशों में अगर तेजी आती है तो उसका इम्पैक्ट सीधा भारतीय बाजारों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और आगे चल के कीमतों को और ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जो फंडामेंटल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो काफी हो सकता है कि इसको सपोर्ट दें, जिसके चलते कीमतें आगे चलकर 8000 से के ऊपर के भी स्तर दिखाते हुए नजर आए। जी रूपा जी, बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो सोयाबीन में तेजी के चलते हमने रिफाइंड सोया तेल की भी कीमतों को सपोर्ट मिलता देखा है, आपको क्या लगता है आगे जाके रिफाइंड सोया तेल में कीमतें कहां तक जा सकती हैं? सोयाबीन में कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे नहीं दिखता है। छुटमुट देखिए, अगर सोयाबीन इतना ज्यादा तेज होता है तो छुटमुट अपसाइड बन सकता है और जो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल हम 1200 से 1250 के आसपास देख रहे हैं जनवरी वायदा, वो 1250 से 1300 तक मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकता है। जी